सो वेलकम गाइस माय न्यू वीडियो। दोस्तों आज मेरे पास है के 88 इंची पंखा, तो उसका बेयरिंग कैसे चेंज किया जाता है वो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। हाँ, वीडियो आपको अगर पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मैं इसको शुरू करता हूँ वीडियो को, तो सब्सक्राइब कर लो पहले। तो आप तो देख सकते हो मैंने 602 का जो बेयरिंग है ऊपर वाले ढक्कन में लगा हुआ है, उसे मैंने निकाल लिया है और इसको बेयरिंग को निकालते हैं। तो उससे पहले आपको एक स्किंचा आता है तो वो आपको ले लेना है। तो ये स्किंचा मैं ले लेता हूँ। इसका जो मुंह आता है दोस्तों, एक पतला एक मोटा आता है। तो 602 का जो बेयरिंग होता है उसके लिए मोटा वाला यूज होता है और 601 के लिए छोटा वाला यूज होता है। तो एक पेच के सेक पाने की मदद से आप उसको निकालूंगा मैं। और देख सकते हो आप, मैंने ले लिया ये नट, मैंने पहले से कस रखा है क्योंकि बेयरिंग पहले निकाला था मैंने, तो वही कसा हुआ है तो मैंने खोल लिया है। और चलिए इसे मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। तो आपको सबसे पहले इसकी कटोरी जो कटोरी ले लेनी है। तो जैसे कि मैंने कटोरी ले ली है, इस कटोरी को आपको ऐसे इस प्रकार रख देनी इसमें, और इसका बड़ा वाला जो मुंह है उसको आपको इसमें लगा लेना है। जैसे कि मैंने इसमें लगा लिया है, इस नट को जो बिल्कुल फिक्स नीचे ले जाना है और इस पत्ती को आपको अंदर पसा देनी है जैसे कि इसके होल बरोबर मिल जाए। तो मैं इसे फिक्स कर लेता हूँ, हल्की सी ज़्यादा निकल गई है तो इसे वापस ठोक लेता हूँ और होल की बरोबर मैं इसको लगा लेता हूँ। तो इस पेच किस को मैं इसमें लगाता हूँ। जैसे कि मैंने लगा लिया, इस प्रकार आपको लगा लेना है और इसको हल्का हल्का घुमाना है। टाइट हो तो थोड़ा सा टाइट भी हो सकता है, तो उस प्रकार से आपको इसको लगा लेना है। देख तो ये मेरा पेच किस निकल चुका है, तो इससे आपको सावधानी रखनी है क्योंकि ये निकल भी सकता है, आपको चोट भी लग सकती है। तो मैंने वापस मैं इसमें लगा लेता हूँ और देख तो ये ढीला हो चुका है, इसको मेरे को थोड़ा सा सारा नहीं निकल पा रहा है, तो मैं चोट की जरूरत पड़ सकती है। तो मैं इसको ठोक लेता हूँ हल्का सा, इसको तो मैंने ठोका तो ये निकल चुका है और बेयरिंग निकल चुका है। तो मैं इसको साइड में रख देता हूँ और नीचे वाला जो ढक्कन है इसका दोस्तों उसका निकालता हूँ। तो इस बेयरिंग को वापस निकाल लेता हूँ मैं। तो देख सकते हो कुछ इस प्रकार इस बेयरिंग को निकालना है आपको, बोल्ट को वापस ढीला करना है। तो आपको इसको ढीला कर लेना अच्छी तरह से। मैंने इसको निकाल लिया है और ये जो नीचे वाला ढक्कन है दोस्तों, इसमें 601 नंबर का बेयरिंग लगा हुआ है। तो आपको भी कुछ इस प्रकार लगा लेना है कि इसका जो बारीक मुंह होता है दोस्तों, बारीक मुंह 601 में लगता है, तो उस प्रकार कटोरी को लगा लेना है और वो पतला वाला मुंह को इसमें सेट कर लेना है। नट को वैसे ही जैसे मैंने बताया इसको वही प्रोसेस है इसमें भी। और ये पेचकस मैंने इसमें लगा लिया है हल्का सा, थोड़ा सा क्या छेद नहीं मिल पाया था और देख सकते हो मिल गया है और मैंने इसमें लगा भी लिया है। ये बेयरिंग आसानी से निकल चुका है क्योंकि ये मतलब नरम था, इसमें ऑयल डाला हुआ था तो जल्दी से निकल गया है। तो इस प्रकार से आपको बेयरिंग निकाल लेना है। अब चलिए इसकी मोटर जो है वो इसमें फिट करता हूँ। उससे पहले वीडियो को लाइक करो फिर बताऊँ मैं आपको। इसमें बेयरिंग डाल लेते हैं, तो मैं दोनों बेयरिंग ले लेता हूँ। जैसे कि मैं दो बेयरिंग ले आया हूँ मैं और इस बेयरिंग को इसमें लगाते हैं। तो बेयरिंग को लगाने के प्रोसेस में क्या होती है कि 601 का नीचे लगता है, 602 का ऊपर वाले ढक्कन में लगता है। मैंने ये फर्स्ट वाला इसमें एक नंबर का मैंने सेट कर लिया है और दो नंबर को इसमें सेट करेंगे। तो इसे तो साइड में रख देते हैं और दो नंबर बेयरिंग को इसमें सेट कर लेते हैं। तो हल्का हल्का आपको उसको ठोक लेना है तो चारों तरफ से अच्छी तरह इसमें सेट हो जाएगा। ये मैंने सेट कर लिया है इसमें दोस्तों, तो अच्छे से आपको इसमें सेट कर लेना है। तो मैंने दोनों ढक्कनों के अंदर एक सेट कर लिया है। अब बारी आती है इसमें मोटर सेट करने की। मोटर कुछ इस प्रकार सेट होगी इसमें कि इसमें मैंने स्प्रिंग लगा ली है और इसका स्केटर जो है मैं अभी लगाने वाला हूँ। तो देख सकते हो स्केटर मैंने इसमें बिठा दिया है और ये अच्छी तरह से बैठ भी गया है इसके अंदर। तो आप बहुत सावधानी बरतते हुए आपको इसको सेट करना है क्योंकि एक भी वायर जो इसका टच कैसे टच होने के कारण कभी कट जाता है, पूरी की पूरी पंखे की मोटर जो है रुक सकती है। आप उसे आप तो दोस्तों एक चद्दर बॉडी आती है तो इसको आपको अच्छे से हल्के हल्के ठोक के सेट करना होता है। आप इसमें ज़ोरदार से चोट मार दोगे तो चद्दर बॉडी बेंड आ जाएगी दोस्तों और ये पंखा जाम हो जाएगा। तो मैं इसमें नट की बरोबर लेवल पर आ गया है तो मैं इसमें नट कस के इसमें फिर लगाएंगे कैपेसिटर। तो मैंने लगा दिया ये, आपको इस प्रकार को हल्का हल्का चारों बोल्ट को इसको कस लेना है। बोल्टों को कसने के बाद आपको इसको घुमा के देख लेना है एक बार। कैपेसिटर का स्टैंड मैं लगा लेता हूँ और कैपेसिटर का कनेक्शन कैसे क्या करते हैं मैं कनेक्शन करता हूँ इसमें
और मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों मैं फिर भी यही कहना चाहता हूँ कि लास्ट में आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना मुझे कि कैसा लगा। मैंने कैपेसिटर का तार, मैंने जैसे कि स्केटर से दो वाइट निकले हुए थे, एक नीला यानी कि सॉरी हरा वाला निकला हुआ था, तो मैंने हरा वाला मेन है और ये दोनों वाइट वाइट है, इसके न्यूट्रल है। देख सकते मैंने दोनों कैपेसिटर के दोनों वायर इसमें लगा दिया है और सीरीज की मदद से मैं टेस्ट करते हैं इसे। तो देख सकते हो ये गलत दिशा में घूम रहा है दोस्तों, ये जो है ना ये मेरी तरफ घूम रहा है, ये सही है। इस वायर को अपन मेन तार की जगह यूज करेंगे, इसके ऊपर वाले इसमें लगा देते हैं। इसको ऐसे निकाल लेता हूँ मैं, तो मैं ऊपर लगा लेता हूँ उससे, और ये जो बाकी जो बचेगा ना वाइट वाला उसको बीच में लगा लेते हैं, और जो नीला वाला वायर है इसको अपन नीचे लगा लेंगे। तो कुछ इस प्रकार का कनेक्शन होगा दोस्तों, तो मैं जल्दी से इसे लगा लेता हूँ और अब टेस्टिंग करके बताता हूँ आपको कि कैसे क्या चल पाता है। तो दोस्तों वीडियो आपको अगर अच्छा लगा और मैंने बताया आपको कैसे क्या लगा तो कमेंट करके जरूर बताना, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फिर भी एंड में कहना चाहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके कमेंट करके जरूर बताना मुझे वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।